हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रूटाइल स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूटाइल स्ट्रक्चर। अब देखो, रूटाइल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है, ये अपने पास रूटाइल एक प्रकार से क्या है, मिनरल है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है TiO2। अब TiO2 इसका फॉर्मूला है, तो ये जो O2 नेगेटिव्स, देखो अब यहाँ से अपने पास टाइटेनियम पे तो क्या है, +4 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव तो क्या करेगा, HCP पैकिंग फॉर्म करेगा। O2 नेगेटिव करेगा HCP पैकिंग फॉर्म, और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव ये क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, ये करेगा हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। अब यहाँ से हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो चार्ज रेशियो इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो स्टार्ट जब किया था आयनिक स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने तुम्हारे को बताया था चार्ज रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। तो यहाँ से देखो चार्ज रेशियो क्या है, टाइटेनियम पे जो चार्ज है वो है +4, ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो क्या है, 2 नेगेटिव। तो चार्ज रेशियो क्या आ गया टाइटेनियम और ऑक्सीजन का, वो आ गया 4:2। तो उसके बाद अब अपने को देखो क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो टाइटेनियम Ti4+ क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कर रहा है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। तो टाइटेनियम का तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या आया, टाइटेनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आएगा वो तो आएगा 6, और जो अपने पास है O2 नेगेटिव उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या आएगा, टाइटेनियम का 6 और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3। तो यहाँ से जो अपने पास स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है टाइटेनियम की, उसको बोल सकते हो 6:3 टाइप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आइंस कैलकुलेट करने पड़े। तो देखो HCP पैकिंग बना रहा है, O2 नेगेटिव क्या कर रहा है, HCP पैकिंग फॉर्म कर रहा है। अब ये HCP पैकिंग फॉर्म कर रहा है, तो HCP के अंदर रैंक ऑफ यूनिट सेल है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, 6। एक HCP यूनिट के अंदर 6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से अपने पास O2 नेगेटिव क्या कर रहा है, HCP पैकिंग, तो उसके कितने आयंस प्रेजेंट होंगे, 6। उसके बाद नंबर ऑफ टाइटेनियम 4+ आयंस, देखो नंबर ऑफ टाइटेनियम 4+ आयंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टाइटेनियम 4+ आयंस जो हैं वो होंगे 3, क्योंकि टोटल अपने पास नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं HCP के अंदर, 6। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम के, 2, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने क्या मिलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो अपने पास होने चाहिए 6, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो या हाफ करेंगे तो 6 आ जाएंगे, मतलब कि 6 हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 6, तो हाफ कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला यूनिट बनाएंगे, तो देखो नंबर ऑफ आयंस O2 नेगेटिव के हो गए 6, और नंबर ऑफ टाइटेनियम आयन के हो गए 3। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा फॉर्मूला, Ti3O6। अब ये फॉर्मूला बना Ti3O6, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Ti O2 होल 3। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 3। तो अगर कोई पूछे टाइटेनियम या रूटाइल स्ट्रक्चर के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। तो यहाँ से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बता सकते हो, टाइटेनियम ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो, और उनका जो फॉर्मूला यूनिट है, अगर कोई पूछे टाइटेनियम TiO2 की एक यूनिट के अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होती हैं, 3, तो वही क्या है अपने पास, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो ये तो थी रूटाइल स्ट्रक्चर। उसके बाद फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब देखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होती है, CaF2। अब इसके लिए करेंगे CaF2 है, तो देखो Ca2+ ये तो क्या करेगा, FCC या फिर HCP पैकिंग फॉर्म करेगा। उसके बाद जो F- है ये क्या करेगा, ओल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, ओल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। अब नंबर ऑफ F- आयंस कितने होंगे, अगर अपने पास F- देखो
सी ए टू पॉजिटिव क्या कर रहा है, एफ सी सी पैकिंग बना रहा है, तो एफ सी सी के अंदर सी ए टू पॉजिटिव जो आयन्स होंगे वो तो कितने होंगे, चार, क्योंकि एफ सी सी यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, फोर एटम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ एफ नेगेटिव क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम के ट्वाइस, तो वो कितने होंगे एट, और सी ए टू पॉजिटिव क्या होगा फोर। देखो यहाँ एफ सी सी का मतलब क्या है कि जो एटम्स होंगे वो एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और फेस सेंटर पे, तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ये तो चार आएंगे। अब एटम चार आ रहे हैं कैल्शियम के, तो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे एट। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या लिख सकते हो, देखो सी ए फोर एफ एट, तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा सी ए एफ टू की होल फोर, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई फोर, तो इसी को क्या बोल लेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने आ गए फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर फोर। अब चार्ज रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है कोऑर्डिनेशन, अब इन दोनों का अपने को कैल्शियम टू पॉजिटिव का और एफ नेगेटिव को क्या करना है चार्ज रेशियो कैलकुलेट करना है। अब चार्ज रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसके ऊपर क्या है टू पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है माइनस वन, तो इसका चार्ज रेशियो क्या है टू रेशियो वन। अब देखो यहाँ किसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का और ये किसका हो जाएगा फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन क्या कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फोर। अब यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, तो देखो फ्लोराइड आयंस के तो कितने हो गए फोर कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये इसका क्या चार्ज रेशियो ट्वाइस है, तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या आ जाएगा कैल्शियम का एट, तो ये अपने पास बन जाएगी एट रेशियो फोर टाइप स्ट्रक्चर। तो ये तो थी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब जस्ट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होती है इसके जस्ट अपोजिट, बाकी चीज सेम मिलेंगी लेकिन अपने को इसमें क्या कर रहा था कैटाइन पैकिंग बना रहा था, इसमें एनाइन वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा था। देखो यही केस है जिसके अंदर कैटाइन क्या कर रहा है पैकिंग बना रहा है और फ्लोराइड आयन वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इन दोनों की देखो साइज क्या होती है सिमिलर होती है, कैल्शियम और फ्लोराइड आयन की साइज सेम होती है, उस वजह से इसमें कैटाइन तो क्या करेगा पैकिंग बनाएगा और फ्लोराइड आयंस क्या करेगा वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड में Na2O, इसमें O2 नेगेटिव क्या करेगा FCC और CCP, मतलब FCC बोलो या फिर उसको CCP, ये तो पैकिंग फॉर्म करेगा। Na+ ओल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा, तो नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस क्योंकि FCC यूनिट है, तो FCC यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं चार, रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होती है फोर, तो नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस क्या आएंगे फोर, नंबर ऑफ Na+ आयन ये कितने हो जाएंगे क्योंकि ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या पाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स नंबर ऑफ एटम का क्या है ट्वाइस, तो ये आ जाएगा एट। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट क्या आएगा N8, देखो Na+ कितने एट, ऑक्सीजन कितने चार, तो ये बनेगा Na2O होल फोर, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया इसका। अब यहाँ से देखो जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ गए फोर, तो यहाँ Na2O जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं चार। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो देखो इसके तो Na+ के तो क्या आएंगे फोर और ऑक्सीजन के क्या आएंगे ऑक्सीजन टू नेगेटिव और Na+, तो फोर रेशियो एट। अब देखो ये आया कैसे, Na+ पे चार्ज है वन, O2 नेगेटिव पे चार्ज है टू, तो इसका चार्ज रेशियो क्या हो गया वन रेशियो टू, चार्ज रेशियो वन रेशियो टू है। अब यहाँ से देखो Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो Na+ का चार्ज वन है, तो Na+ के देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा फोर। और अब ये क्या कर रहा है O2 नेगेटिव, ये इसका चार्ज रेशियो क्या था डबल था, इसका वन तो उसका क्या है ट्वाइस है, मतलब कि चार्ज डबल है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो ये आएगा फोर रेशियो एट, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फोर रेशियो एट टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो जो मैंने रूटाइल स्ट्रक्चर पढ़ी है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ी है और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये तीनों ही, ये दोनों और एक रूटाइल स्ट्रक्चर IIT PMT के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनके एक तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए चार्ज रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैकिंग फॉर्म करेगा और कौन सा आयन वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा, इतना पता होगा तो आप कुछ ही सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो ये तो तुम कर सकते हो। अब देखो
इनिंग के अंदर ये 8:0 टाइप स्ट्रक्चर, वो 4:8, जस्ट इसके क्या है अपोजिट है, इसीलिए उसको नाम दिया एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। तो आप इस तरीके से ध्यान रखना। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो डिस्कस करेंगे वो O3, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। पेरोवस्काइट क्या है मिनरल है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaTiO3। अब इसके अंदर जो Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव ये जो दो आयन्स हैं कैल्शियम और ऑक्साइड आयन, ये दोनों क्या करेंगे FCC पैकिंग फॉर्म करेंगे। अब ये FCC पैकिंग करेंगे तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा फेस सेंटर पे, देखो FCC के अंदर अपने पास एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, FCC के अंदर अपने पास एटम प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे ये, और दूसरे किस पे होते हैं फेस पे। तो कौन सा फेस पे प्रेजेंट होगा, कौन से कॉर्नर को ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखो Ca2 पॉजिटिव आयंस तो कहाँ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे, O2 नेगेटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट होंगे फेस सेंटर पे, और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव मतलब Ti4 पॉजिटिव आयंस होंगे वो करेगा बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई। तो यहाँ से नंबर ऑफ टाइटेनियम 4 पॉजिटिव आयंस देखो किसको ऑक्यूपाई करे बॉडी सेंटर को, तो कोई भी अगर बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट एटम तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1, वो एक ही यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है 1, नंबर ऑफ Ti4 आयंस क्या हुए 4 पॉजिटिव आयंस 1, नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। तो देखो कैल्शियम क्या कर रहा है कॉर्नर को ऑक्यूपाई कर रहा है तो टोटल कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक कॉर्नर एटम का 8, तो यहाँ से ये भी क्या आएगा 1। नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ O2 नेगेटिव आयंस आएंगे देखो टोटल फेस पे 6 फेस होते हैं तो 6 फेस पे प्रेजेंट होंगे और कंट्रीब्यूशन एक फेस का क्या होता है 2 यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अपने पास 1/2 आ गया तो 6 × 1/2 तो क्या आएगा अपने पास 3। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना Ca, देखो कैल्शियम का क्या था 1, टाइटेनियम भी क्या आया था 1, तो ये अपने पास क्या हो गया कैल्शियम 1, टाइटेनियम का भी 1 और ऑक्साइड आयन कितने हैं 3। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लिख सकते हो CaTiO3, ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया पेरोवस्काइट का, इसी को बोलते हैं पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर। तो आज हमने डिस्कस की फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, रूटाइल स्ट्रक्चर और पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर। अब अपना ये चैप्टर आयनिक स्ट्रक्चर जो भी थी वो कंप्लीट। अब एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पाइनल स्ट्रक्चर एंड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, और ये जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ाई हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे IIT हो गया, PMT हो गया, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं।